ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। परमात्माओं, दिव्य आत्माओं, परम भक्तों, सबको मेरा नमस्कार। आज की कथा ये है कि हम तो ट्रेन में तो बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमने पहुंचना कहाँ है। ये उसी प्रकार से है जैसे एक सज्जन टिकट ली नहीं ली पता नहीं, ट्रेन पे चढ़ गए, टीटी आया, पूछा सज्जन टिकट दिखाइए। सज्जन जो है अपनी जेब टटोलने लगे, कभी इधर कभी उधर चारों तरफ देखने लगे। टीटी ने कहा, मुझे विश्वास है आपके पास टिकट जरूर होगी। टीटी को इतना आत्मविश्वास था, बहुत दयालु थे टीटी। उन सज्जन ने कहा, मुझे यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। आपको समझ आया? जैसे कि परमात्मा ने हमें ये शरीर तो दे दिया, अब इसकी आयु कितनी है ये किसी को नहीं पता। हमने कर्म क्या करने हैं किसी को नहीं पता। अब कर्म भी आप कैसे करते हैं, जब 9 महीने आप पेट में रहते हैं तो ये सोचते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं संसार में आके आपकी वंदना करूंगा। प्रभु ने आपको टिकट तो दे दी, आप बैठ भी गए, अब आपने पहुंचना कहाँ है ये तो आपको पता ही नहीं है। आप पहुंचेंगे कहाँ? पहुंचने के लिए भगवान महादेव के चरणों में जाना पड़ेगा। भगवान महादेव जो है इस सृष्टि के त्रिलोकी नाथ हैं। जब तक आप त्रिलोकी नाथ के शरण में नहीं जाएंगे, उनका भजन कीर्तन नहीं सुनेंगे, तब तक आपकी यात्रा का आपको नहीं पता चलेगा आपने जाना कहाँ है। जब तक आप नियमित ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करेंगे, आपको टिकट नहीं मिलेगी। टिकट भी आपको कहां की लेनी है? बैकुंठ धाम की। ये शरीर जो है चंद दिनों का मेहमान है। ये उसी प्रकार से है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। कपड़े हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा अपनी मर्जी से कपड़े नहीं बदलती, वो पूरा शरीर ही बदलती है। आपको इन 84 योनियों से ना भटकना पड़े, पुनः आपको मनुष्य योनि में जन्म मिले, उसके लिए एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निरंतर जाप कीजिए, प्रभु का सिमरन वंदना कीजिए, प्रभु आपको बैकुंठ धाम की टिकट देंगे। जीवन में हम लोग आए तो हैं, रास्ता भटक गए हैं। रास्ता जो है वो सिर्फ महादेव ही बता सकते हैं, क्योंकि सृष्टि शुरू भी उन्होंने की है, अंत भी वही करते हैं, जीवन भी उन्हीं ने दिया है, मृत्यु भी उनके हाथ में है। तो जीवन मृत्यु के दाता महादेव में लीन हो जाइए और उनका मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जाप कीजिए और अपनी बैकुंठ धाम की टिकट लीजिए। ओम नमो नारायण।